जय भगवान कुमार शक्ति है अपार बजरंग बली तो भाई साहब अभी आपने जो वीडियो देखा ना भाई, इस टाइप की वीडियो बना करके लोग अभी के टाइम पर अपने चैनल पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर को गेन कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना भाई, तो आपको इस टाइप के एक नहीं मल्टीपल्स चैनल मिल जाएंगे जो इस टाइप का वीडियो बनाते हैं। तो भाई अगर आप भी इस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हो ना भाई, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको इस वीडियो को बनाने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ चैनल्स दिखा देता हूँ जो इस टाइप की वीडियो बनाते हैं। ये रहा आपका पहला चैनल जो इस टाइप की वीडियो बनाता है, जिसका नाम है गोलू टून्स टीवी, आप लोग देख सकते हो। दूसरा चैनल है आपका संकट मोचन ब्लॉग, आप लोग देख सकते हो। तीसरा चैनल है कार्टून सन। चौथा चैनल है शिव कुमार यादव मेल। पाँचवा चैनल है महाबली हनुमान ब्लॉग। छठा चैनल है विकास फनी 2 मिलियन, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। वैसे जितने भी एप्लीकेशन है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है, तो इस एप्लीकेशन का नाम भी आप लोग को उसमें मिल जाएगा। बाकी इसका नाम क्रोमा टून्स है। काफी लोगों को ये जो करेक्टर दिख रहे हैं भाई, ये कहाँ से मिलेगा इसके बारे में तो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। वीडियो को फुल वॉच करोगे तो पता लग ही जाने वाला है। इस एप्लीकेशन के हमने सिंपल सा इसके अंदर एनिमेशन देना है, मतलब कि जो मूवमेंट वगैरह देनी है इसी के अंदर देना है। चाहे वो किसी टाइप की मूवमेंट हो वो इसी में दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनका आप यूज करके अपने करेक्टर को वॉल करा सकते हो, टाइल करा सकते हो, काफी कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। लेकिन देखो अभी ये बातें कर रहे हैं इनसे, मतलब इस तरीके कैसे आप करा सकते हो। और हाँ, वो वाली जो शॉर्ट वीडियो इसी से क्रिएट की जा सकती है, काफ़ी लोगों के दिमाग में तो भाई ये नहीं आया होगा, बट पॉसिबल है। देखो सबसे पहले हमने बैकग्राउंड डिज़ाइन करना है, सो उसके लिए मैं सिंपल से क्या करूँगा, हमने चलना है क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद सिंपल से आपने कुछ लिखना होगा, जैसे कि मैं इधर कट करता हूँ, आपको सिंपल से इधर रॉक टेक्सचर मैंने लिखा है ना, सेम इसी को लिख लेना है। उसके बाद टेक्सचर सिंपल पैटर्न पर जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारे मिल जाने वाले हैं। देखो किस तरीके का लिखा है, सेम आप लोग यही लिख दोगे तो आपको जो मेरे के इमेज देखने को मिल रही है अभी करंट में, आपको भी यही देखने को मिलेगा। वैसे इधर बहुत सारे इमेजेस हैं जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा भाई, वेक्टर इमेज यूज़ करना बेस्ट रहते हैं। इधर देख लेते हैं हमें कौन सा अच्छा लगता है, उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। वैसे काफ़ी सारे हैं, अभी लाइसेंस वाला है ये भी बढ़िया लग रहा है, इसी के तरीके कुछ मिल जाए तो उसका यूज़ कर लेंगे। तो वेक्टर इमेज में रॉ किस तरीके के मिल रहे हैं, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है, सो मैंने इसे सिंपल से डाउनलोड कर लेना है। अब क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, सो सिंपल से मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद हमने अपने बैकग्राउंड को डिज़ाइन करना है। मैं IBS पेंट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपको भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आ जाना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी एप्लीकेशंस का मैं यूज़ करने वाला हूँ वो सारे प्रीमियम सॉफ्टवेयर से पहले मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर नहीं एप्लीकेशन है, जस्ट देखो आपको क्या करना है, पहले बैक चलते हैं कि बैक से समझाते हैं। सबसे पहले जो आपको माई गैलरी का ऑप्शन देखने को मिलता है ना, ये जो है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे नीचे आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल से फिर प्लस वाले पे क्लिक कर दोगे तो आपके कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इस तरीके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें आपको 1:1 रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको 4K क्वालिटीज वगैरह देखने को मिलती है, जिनको आपको छेड़ने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैं इनका यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अब मैं सिंपल से इधर आता हूँ, इसको कर लेते हैं 1:1 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ये देखो ये अपना आ चुका है। हमने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, जस्ट ये जो आपको एक लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे पूरी इधर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक प्लस के हो गए, तो आपको सिंपल से कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर आपके जितनी भी फोटोज से आ जाएगी। अब सिंपल से अपनी इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। अब क्या करना है, इसे मैं कैंसिल करता हूँ। अब इसके साइज़ को आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा, ठीक है, उसके किए बिना आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है। सो मैं इसको एक काम करते हैं, पहले मैं इसे सेट कर लेता हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं इसके साइज़ को थोड़ी सी बड़ी कर लूँगा। ओके काम करेंगे यार, बीच में रखते हैं क्योंकि इसके साइज़ में हमें थोड़ा बहुत ना चेंजेस वगैरह करनी होगी। कैसे करनी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये जैसे ही हो जाता है आपको इधर टिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है ऑप्शन जो कि काफ़ी लोगों को पिछली वीडियो में नहीं पता लगा था, इधर जो आपको ऑप्शन देखने को मिला है ना, इससे आप मूव करा सकते हो, मूवमेंट वाला जो है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये देखो आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलता है, इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो इधर से मैं इनके रोप को कहीं पर भी घुमा सकता हूँ, लाइक ये देखो इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, मतलब इस तरीके से घुमा सकता हूँ, जो कि मुझे अभी ज़रूरत तो नहीं है इसलिए मैं नहीं करने वाला हूँ। अब इसके बाद आपको इसमें इरेज करना होगा। इरेज करने के लिए आपको सिंपल है जो पेंसिल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद इरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखो आपको इधर से अपने जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसको पहले चेंज कर लेना, वरना बाद में आपको हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। सो मैं तो ये करूँगा भाई, चेंज कर लेना तो बेटर रहेगा। सिंपल से मैंने इसे कर लिया है।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इरेज होना चालू हो जाएगा, बट हमने थोड़ा बेटर तरीके से इरेज करना है, सो मैंने इसकी साइज़ को अलग से कर लिया। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा देखो जैसे उसने दिखाया तो वैसे कुछ मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, इधर थोड़ा गोल सा कर देता हूँ। So, मैंने सिंपल सा एक ऐसी इसको मतलब ड्रॉ कर दिया जैसे कोई फटने वाला है। अब देखो आपको क्या करना है, इधर से जाके एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, सिंपल सा इस पर चल जाना, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक लीव का ऑप्शन मिलेगा, मतलब पत्ते वगैरह जो लगाते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं ना पत्ते वगैरह कैसे आएंगे, सो इधर से आप ले आ सकते हो। देखो यहाँ पर जंजीर वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइक मैं जंजीर पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो किस तरीके से बनने वाला है, ये तो इरेज हो रहा है, देखो ये हो रहा है, मतलब इरेज होकर ये बन रहा है, बट इसकी तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे करके आप इसमें थोड़ा इरेजर वगैरह पा दोगे तो काफ़ी बढ़िया लगता है यार, देखने में अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो है। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको पत्ते वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन देखो लीव का जो ऑप्शन है ना इधर देखने को मिल रहा है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो इसका यूज़ करने वाला हूँ। और हाँ, इसको करने के बाद मैंने इधर जाके पेंसिल वाला सिलेक्ट कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पर जाके मैं ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसकी कलर को हमने चेंज करना होगा, वो इधर से होता है, जस्ट मैं इस पर चलता हूँ। अब कलर भी आप अपने हिसाब से जिस तरीके से रखना चाहो रख सकते हो, मैं तो सिंपल से इसे ग्रीन करने वाला हूँ क्योंकि भाई वही बेटर रहता है। अब ग्रीन करने के बाद मैंने हल्के हाथों से इसको क्या करना है, इस तरीके से कर देना, मतलब लगना चाहिए कि हाँ भाई है कुछ तो है, जब बढ़िया लगेगा तभी तो लोग देखेंगे, ऐसे थोड़ी ना देख लेंगे यार, अच्छा बनाओगे ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है यार, लिटरली कह रहा हूँ। इधर देखो काफ़ी चीज़ें हैं जिन ऑप्शंस की मदद से आप अपने वीडियोस को बहुत ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हो। अब यहाँ पर मैंने सिंपल से देखो इसके नीचे इस तरीके से कलरिंग वगैरह मतलब सिंपल से एक कर दिया, इससे ना थोड़ा अलग ही लुक आ जाता है। अब यहाँ पर मैं पत्ते को हल्के हाथों से इस तरह कर देता, मतलब कवर कर देते हैं यार। अब मेरे को नहीं पता था मेरे को क्या बनाना था, मैंने तो सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए बैकग्राउंड को डिज़ाइन कर दिया है। मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, इसे मैं ठीक तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन देखो आपको इधर भी फ्लावर का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो फ्लावर वाले में हम देखते हैं, फ्लावर में लाइक मैं कर देता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज ठीक रहेगा, ठीक है मैंने ऑरेंज कर दिया है। मैं सिंपल से देखो इधर उधर क्लिक करूँगा तो चेंज होता जाएगा, ये देखो। अब इधर जैसे कोई और कलर कर लेते हैं, लाइक रेड मैंने सेलेक्ट किया, अब रेड पे कर देते हैं, सिंपल सा यार, देखो कितना बढ़िया लगता है। मतलब आप इस तरीके से डिज़ाइन बना के काफ़ी अच्छे से मतलब बैकग्राउंड को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। काफ़ी लोग कह रहे थे ना कि भाई ये कैसे होगा डिज़ाइन, मतलब कैसे बनाएंगे, हमने ये तो बना लिया, अब इसमें मॉडल वगैरह इम्पोर्ट करने के बाद जो आपने बैकग्राउंड बनाया था वो बैकग्राउंड कैसे बनाया था, इसी तरीके से बनाया था। जैसे ही आपका बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है सिंपल से आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, उससे पहले वापस से इस पर जाना है। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो आप अपने हिसाब से इसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, मैं तो नहीं कुछ बताऊंगा, फिर भी आप देखना यार, इसे जब आप करोगे ना ओपन तो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई इतनी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, लिटरली आपको मज़ा आ जाने वाला है यार। ये देखो नीचे रोज़ वगैरह के भी ऑप्शन मिलते हैं, लाइक इस रोज़ पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी रेडी है, ठीक है, जस्ट मैंने इस पर करके नीचे स्क्रॉल किया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये रोज़ आ चुका है ना, जस्ट मैं इधर तीन चार बार क्लिक करूँगा तो हो जाएगा, बढ़िया लगता है देखने में, अच्छा लगता है। मेरे को तो नहीं करना है, मैं इधर सिंपल से सेव कर देता हूँ। सेव वाले के ऑप्शन के लिए आपको नीचे जो ऑप्शन देखने मिल रहा है इस पर क्लिक करना है, और एक चीज़ याद रखना हमेशा सेव अस ट्रांसपेरेंट करना, जस्ट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद सेव हो गया है। अब देखो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, चाहे आप जो भी एप्लीकेशन इसकी जगह यूज़ कर सकते हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस आपको यूज़ करना है एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर, चाहे वो पावर डायरेक्टर हो, काइन मास्टर हो, या बीएन हो, या कोई भी आप यूज़ करते हो, सो आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं इसका इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेटर लगता है। अब ब्रेसअप का आपको हमेशा 9x16 ही सिलेक्ट करना है। अब इसको करने के बाद मैं इधर क्रिएट वाले पे चलता हूँ। अब देखो अपनी इमेज ये आ चुकी है, उससे पहले हमने एक बैकग्राउंड में इमेज लेना होगा, सो मैंने इसे ले लिया है। अब देखो मैं ज़्यादा लॉन्ग तो वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी तो भाई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, जस्ट मैंने इसे ले लिया है। अब देखो अपना ये आ चुका है इमेज, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपने हिसाब से इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी, मैं बता नहीं सकता हूँ। अब देखो इधर क्या करना है, इधर सिंपल से लिखना है नाइट, नाइट कार्टून लिख दोगे तो वैसे काफ़ी आ जाने वाले हैं, देखो काफ़ी सारे आ चुके हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो। मैं देखता हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे आने के बाद भाई ऑप्शंस की भरमार हो जाती है। आपको एक चीज़ को डार्क भी करना होगा, क्या चीज़ें बताता हूँ मैं, पहले इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंपल से मैं इसे डाउनलोड वाले पर क्लिक किया और इसे भी डाउनलोड कर लिया। अब काइन मास्टर को ओपन करने के बाद मैं इधर चलता हूँ इमेज पे, फिर डाउनलोड वाले पे। अब मेरे पास तो पहले से दो थे, बट इसको देखो आपको क्या करना है, अब इस पर क्लिक करने के बाद देखो जिसको इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना आता है सो कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को इसका एक सीपरेट कोर्स बना दूंगा जिससे आप सीख जाओगे भाई किस तरीके से वीडियोज़ को आप बना सकते हो, इसमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ बनती। मैं तो कहता हूँ भाई इसको आपको स्टार्ट करना चाहिए, अभी स्टार्ट कर दोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे,
क्योंकि अभी इसमें कंपटीशन भी कम है, लोग सीखना चाहते हैं बट उनको कोई अच्छे सिखा नहीं पा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो आराम से सीख लोगे, मैं आप लोगों को बताने के लिए रेडी हूँ। देखो फिल्टर पे मैं गया हूँ, अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे ब्लैक है और ये थोड़ा मतलब एकदम ही सुबह का जैसे होता है वैसे हो गया ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस पिक्चर को सिलेक्ट, जिसके कलर को आपने एडजस्ट करना है उस पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो तो फिल्टर नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ये देखो ये है, जस्ट इस पर जाना है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे बेसिक पे चले जाना है, फिर नीचे एकदम स्क्रॉल कर दोगे ये आ जाएगा, देखो हो गया मतलब डार्क मून जैसा हो गया, वैसे ही कुछ हो गया ना सिस्टम, मुझे अच्छा लग रहा है वैसे। और हाँ, इसमें आप एडजस्टमेंट में जाके इसके मतलब ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, जिससे बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लगती है। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी सिंपल से आप लोगों को बताया ना, अभी लिटरली यार काफ़ी कुछ सीखने वाला हूँ, लास्ट तक देखो आपको पता चल जाएगा। अब मैंने क्या करना है, सिंपल से एक बंदे को इधर से लेकर जाना है और इसमें गिरा देना है, ठीक है। इधर एक चुड़ैल को खड़ा कर दूंगा, बैठा दूंगा, एकदम सिंपल से वीडियो बनाऊंगा, मैं कोई हैवी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। देखो आपका बैकग्राउंड पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अभी मैंने अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, तो हनुमान जी को मैं साइड कर देता हूँ, बिकॉज अभी इनका काम नहीं है, क्योंकि हमने तो भूतिया सीन एक क्रिएट करना है, एक सिंपल सा आदमी होगा एक भूतिया होगा, ठीक है। तो हनुमान जी की जगह मैं ले लेता हूँ, इधर से चलते हैं इम्पोर्ट लोड, इधर से हम एक करेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं, हम बात करते हैं अभी करेक्टर आप लोग कैसे पा सकते हो। इसके लिए सिंपल सा आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आना है, मुझे बोल देना कि भाई हमें 2D एनिमेशन का फुल जो करेक्टर पैक है वो प्रोवाइड कर दो, जिसमें आपको इस तरीके के काफ़ी सारे करेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी करेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, इधर हम चलते हैं, इसे नन कर देते हैं। ओके देखो ये करेक्टर अपना आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा आपको इसे वॉल्व कराते हुए लेकर जाना है। वॉल्व कराने के लिए आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और एक चीज़ याद रखना यार, देखो आपको इसको वॉल कराते हुए लेकर तो जाना है, अब आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुद करनी होगी, इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ नहीं करना है। बताता हूँ किस लिए, क्यों पिछली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है काम नहीं कर रहा इस एप्लीकेशन का, आप अपना यूज़ करो, ज़रूरी है कि आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करो। मैं तो वॉल्क वाला दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इधर मैं वॉल्क फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा मूवमेंट होगा ये आइडल की तरह खड़ा हो जाएगा, या फिर आइडल, ठीक है दूसरा आइडल कर लेता हूँ, और तीसरा जो है मैं करने वाला हूँ कि नीचे गिरता है लाइक डर जाता है ना, तो वहाँ देखते हैं सिटिंग ओटी, ये चाय थोड़ा ना पिएगा, अभी डर चुका है ना, ये रहा बिटन, जस्ट मैं इसे कर लेता हूँ, देखो फिर कुछ इस तरीके से कर लेगा, फिर डरने लग जाएगा। मैंने तीन को सिलेक्ट कर लिया, इधर और भी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लाइक ये देखो आपको देखने को मिल रहा है सिटिंग ऑन आइडल है, एक सिटिंग ऑन आइडल भी कर लूँ, जस्ट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये दूसरा यार सिटिंग एंड आइडल, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा वॉल्क था ना, वॉल्क वाला आइडल वाला था तो वो ज़्यादा बेटर था, मैं इधर वॉल्क आइडल कर लेता हूँ। अब इसकी जगह आप एक और चीज़ कर सकते हो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, करेक्टर को इधर उधर दिखा सकते हो, लाइक देखो एक मैजिकल मतलब कुछ मैजिकल सा बनाया तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, तो मैजिकल मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। अब ये होने के बाद आपको सिंपल से रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक करना है, और हाँ देखो इधर मैं क्या करने वाला हूँ, ये कैंसिल का ऑप्शन आ गया, मैं इसे कैंसिल कर दिया हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखना, पहले मैं कट करता हूँ, इसके बैकग्राउंड को आपको ग्रीन कर लेना होगा, पिछली वीडियो मैंने डिटेल से बताया हुआ है, ये देखो ये आपको ऑप्शन देखने मिले ना बैकग्राउंड का, जस्ट इस पर क्लिक करना है, इसके बैकग्राउंड को ग्रीन कर लेना है। एक चीज़ और ध्यान देना कि इसके कलर जो है मैच नहीं करने चाहिए, लाइक ये देखो थोड़े बहुत जो ये हरे वगैरह दिख रहे हैं ना इसके कपड़े पर, जो भी हरे हुए हैं तो ये नहीं दिखने चाहिए। अब ये जैसे ही आपका हो जाएगा, आपको सिंपल सा वापस अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है और इसे कैंसिल कर देना है, क्योंकि आपने अभी अपना स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन रखा हुआ है, जिसकी वजह से देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, जिसके वजह से सब कुछ अपना सिस्टम चल रहा है। अब मैं सिंपल से इसे कट करता हूँ, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हो चुका है, जैसे मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके रिकॉर्डिंग को मैं उधर लेकर जाने वाला हूँ, मैं आपको कंप्लीट करके लेकर चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसकी कंप्लीट वीडियो, आप लोग देख लेना। और ना जैसे इसमें मूवमेंट कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो सिंपल से इस पर टैप करोगे, देखो फर्स्ट टैप किया करेक्टर पर चलता हुआ जा रहा है, तो पहला चलता हुआ जाएगा, ठीक है, दूसरा देखो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, नीचे मतलब ऐसे सिंपल सा गिरेगा, इसका मैंने हाथ वगैरह की मूवमेंट नहीं दी है। थर्ड पे जैसे क्लिक करूँगा तो देखो नीचे गिर के कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिटन वाला पोज में आ जाएगा कि भाई नहीं रहन दो, ये क्या हो गया, ये कौन आ गया है। और नेक्स्ट पे पोज क्लिक करोगे तो ये वापस से भागने लग जाएगा, भागेगा कैसे, क्या सिस्टम होगा वो तो आपको आगे पता चलेगा। इसका नेक्स्ट वाला देखो सिंपल सा हो गया, अब ये इससे बातें वगैरह करें क्या सिस्टम है आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। ये जैसे हो जाता है उसके बाद आपको इसको लेकर आना होगा अपने काइन मास्टर के अंदर, ठीक है, तो मैं काइन मास्टर में इसको लेकर चलता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ आगे का प्रोसेस। अभी मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो इधर मैंने बैकग्राउंड में मूवमेंट वगैरह नहीं दिए, सिंपल से बनाया, बट आप लोग मूवमेंट दे सकते हो, कैसे देना है मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अब देखो मैंने इधर क्या करना है, मैंने दो करेक्टर का यूज़ करना है,
जस्ट पहले एक मैजिकल बनाते हैं फिर दूसरा बनाएंगे, ठीक है। मैं इधर चलता हूँ, पहले वॉल्क वाला है, सो वॉल्क वाला मैंने यूज़ करना है। करेक्टर की साइज़ को हमें अपने हिसाब से अरेंज करना होगा, ठीक है। ओके, इसको मैं कट कर देता हूँ और इसके क्रोमा की को भी इनेबल कर देता हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैंने क्या किया। देखो इधर मैंने एक क्लिक किया हुआ है, अब मैं पहले इसे बैक करता हूँ इधर, ठीक है। जस्ट इस करेक्टर को मैंने दूसरी साइड दिखाना है, उसके लिए मैं करेक्टर पर क्लिक किया हूँ। इसके बाद इधर एक ऑप्शन होता है जिससे ये जो इस तरफ देख रहा है ना वो इस तरफ देखेगा, जो ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है। जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद ये घूम चुका है। अब मैंने क्या करना है, जस्ट इसको एक बार वॉल्व कराते हुए लेकर आना और देखना कहाँ तक वॉल्व कर रहा है। देखो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, सो मैं इसको सिंपल से यहाँ से कट करता हूँ। ओके, देखो आप जो भी एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहो कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी यहाँ पर आने के बाद थोड़ा रोने लग जाता है, फिर थोड़ी देर रोएगा, फिर जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे को यहीं पर थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह करनी होगी, क्योंकि हमने इसे दो बार खड़ा करा दिया, तब देखिए वापस से चलने लग जाता है ना, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कटिंग करनी होगी। इसकी साइज़ आप जितनी रखना चाहते हो पहले बार में रख लेना, दूसरी बार में रखोगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फर्स्ट टाइम में बेटर कर लेना जो भी आप करना चाहो। अब इसकी साइज़ को मैं पहले कट कर लेता हूँ, मैं बैक चलता हूँ। अभी देखो क्रॉप हो चुका है। मैंने क्या करना है, इसमें की फ्रेमिंग करनी। की फ्रेमिंग के लिए मैंने इस करेक्टर वाले पर क्लिक करना है, उसके बाद इधर ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देखो इसको पहले पीछे कर लो आप लोग, जहाँ पर भी करना चाहो। लाइक मैंने इसे पीछे कर लिया है, अब आगे जहाँ तक ही आता है। लाइक ये देखो अभी ये लेट गया है, पहले इसे उठा दो। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे शांति से ले आओ, उसके बाद देखो ये क्या होगा, ये नीचे की साइड बैठ जाने वाला है। जस्ट पहले पीछे करना होगा, मैं इसको पीछे करते हैं, ये आगे आता है। ओके, अभी भी चढ़े, यहाँ पर बैठता है। सो मैंने देखो ये क्या किया, इधर मैंने इतना लेकर आया, यहाँ से बैठता है ना, तो मैंने प्लस वाले पे क्लिक करना है इसे आगे करके। जस्ट में पहले एक काम करेंगे हम, एक की फ्रेमिंग हमें स्टार्ट में देना होगा। लाइक ये मैंने पहली की फ्रेमिंग दी, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखो ये झुकता है, इधर ले आके इसको यहाँ तक कर दो। अब देखो प्ले करते हैं, लाइक देखो ये आ रहा है। अब यहाँ से ये आके ऐसे करके झुक जाएगा, ठीक है, ये झुक चुका है। अब यहाँ पर झुकने के बाद हमें एक काम करना होगा, पहले मुझे इसे कट कर देना होगा। पहले मैं इसे कट कर देता हूँ, दूसरे वाले को भी कट करते हैं, क्योंकि ये फिर उठ के चलने लग जाएगा ना, सो मुझे वही वाला सीन चाहिए। जस्ट मैं इसको आगे करता हूँ, इसके नीचे आगे एक बार प्ले करते हैं, ठीक है। फिर देखो आप लोग किस तरीके का लगता है, लेके चलता हुआ आ रहा है, ये जैसे आगे के जाएगा झुक जाएगा। तो स्टोरी ये है कि इधर एक चुड़ैल आएगी इसकी मदद करने वाली, ये देखो झुक जाता है फिर उठ के चलने लग जाता है वापस। सिंपल सा था, कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं थी, एकदम बहुत आसानी से हमने क्रिएट कर दिया है। अब मैं इधर थोड़ी सी इसके इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि उसके बिना अपना काम नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो एक बार प्ले करते हैं, जस्ट देख लेते हैं यहाँ से उठता है ना, तो मुझे इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ओके, ये हो चुका है, एक बार प्ले करते हैं वापस। देखो एडजस्ट वगैरह आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, जैसे हो जाता है तो उठ जाता है। यहाँ पर आप स्लो कर सकते हो, एक काम करो इसे आप स्लो कर लो। जस्ट मैंने इसे क्रॉप किया, अब इतनी सी मैं इसको कर लेते हैं स्पीड, हम लेस कर लेते हैं। जस्ट मैं इधर इतना कर देता हूँ, क्योंकि चुड़ैल आएगी कुछ देर बोलेगी, फिर वो जो भी गिराना वगैरह होगा मैजिक वगैरह से उसको गिराएगी, ठीक है। मैं इधर कर लेता हूँ एडजस्ट, देखो अभी ठीक लग रहा है, ये आगे चलता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ से देखो जैसे ही उठ जाता है, अब यहाँ पर भी आपको की फ्रेमिंग करनी होगी। लाइक मैंने पहला की फ्रेमिंग इधर देना है, जस्ट ये जैसे उठता है उसके बाद इसे आगे की तरफ लेकर चले जाना है, यहाँ से आगे की तरफ ऐसे करके लेकर चले जाना है। ओके, अब देखो एक बार प्ले करता हूँ आप लोगों को, तब पता चलेगा क्या सिस्टम है। ये अभी करेक्टर आ रहा है, इधर हमने थोड़े बहुत ना वुड के मतलब टेक्सचर वगैरह पीस वगैरह को ऐड करना होगा, जिससे अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अभी हमने सेकंड वाला सीन नहीं ऐड किया, उसको ऐड करने के बाद अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। देखो चलता हुआ जा रहा है, अभी ये किस पे जा रहा है ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है। जस्ट इसको क्या करो आप लोग, ऊपर वाले इमेज को सिलेक्ट करो। लाइक मैंने इस वाले इमेज को सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड को इधर ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देते हैं। भाई देखो ये इसके पीछे अभी हो रहा है ना, जैसे हो जाएगा ये चलता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक लकड़ी का टुकड़ा लाना होगा, उससे पहले आप चुड़ैल वाली वीडियो को भी ले आओ। क्लिप देखो वहीं से बना लेना, जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया क्रोमा टून नाम का एप्लीकेशन है, सो उसका यूज़ करना, उससे बहुत आसानी से बन जाता है। अभी देखो बात करिए, पहले तो चलते हुए आएगी, चलते हुए आती है। जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चुड़ैल ने चलना कहाँ से चालू होता है, जहाँ पर गिरता है, ठीक है। जस्ट यह गिरना चालू होएगा, और इसे हम पहले क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉपिंग के बाद ही अपनी वीडियो थोड़ी पता लगेगी। हाँ भाई, यहाँ से अपने को थोड़ा इसका साइज़ वगैरह अरेंज करने में आसानी होती है, क्योंकि भाई छोटी सी स्क्रीन है फ़ोन की, उसमें कितना पता चलता है। जितना हो सके हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जितना हो सके हम लोग उतना बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक इस पर क्लिक किया,
अब नीचे स्क्रॉल करते इसकी क्रोमा की को वापस से मैंने इनेबल कर दिया है। अब जस्ट मैं इसकी साइज को इंक्रीज करता हूँ। फर्स्ट पार्ट देख लेना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत कुछ उससे आप लोगों को सीखने को मिल सकता है। सो अब देखो यहाँ पर चुड़ैल है, जस्ट चलते हुए आएगी, अभी भी चल रही है, इसको इतना नहीं चलाना है। अब ये बात करने लग जाती ना, अब यहाँ पर हमें कटिंग करनी होगी इसकी। जस्ट मैं कट करता हूँ चुड़ैल को, इधर मैं इधर अरेंज कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा पीछे कर देते हैं क्योंकि ये चलती हुई आएगी। जस्ट मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, अब ये हुआ, ये आएगी चुड़ैल और पीछे से, क्योंकि इधर से इसने टाल करना है, जैसे ही हो जाता है ठीक है। अब देखो यहाँ से चुड़ैल को मैंने सिलेक्ट किया, पीछे करके एक प्लस किया, यहाँ पर आगे लाया, जब आप प्ले करते हैं फिर देखते हैं। जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया, देखो अभी चुड़ैल आई, इधर खड़गी है, बातें कर रही है। हाँ थोड़ा की फ्रेमिंग हमें अरेंज करना होगा, क्योंकि की फ्रेमिंग से पहले ये खड़ी होगी। जैसे ही होएगा बस इसको मैंने गैप कर देना है, पॉप करके गैप करना है ठीक है। पॉपअप करने के लिए क्या करना होगा, देखो मैं कुछ इफेक्ट्स का भी यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने इस वाले सीन पर क्लिक करना है, इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद देखो इधर मिलता है ना आपको ऑप्शन इन एनिमेशन आउट एनिमेशन। सो जिसको भी आपको देना है, लाइक आउट एनिमेशन में देता हूँ, ब्लिंक दूंगा तो ब्लिंक हो जाएगा, फेड दूंगा तो फेड हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल जितने पे भी है पूरे पे देगी, बट इस पर हमें नन कर देना है। इन एनिमेशन में आप जो देना चाहो, लाइक आउट एनिमेशन जो लास्ट वाले में लाइक फेड वाला है, ये तो क्या गायब हो जाएगी, मैजिक करके अपना गायब हो जाएगी। जस्ट इस पर क्लिक किया, आई इसने किया मैजिक किया और वो गिरेगा, इधर से गायब हो जाएगी। देखो इधर थोड़ा बहुत अरेंज हमें करना होगा की फ्रेमिंग का, लाइक ये आके डबल बार देखो पैर चलाती है इधर, सो इसको थोड़ा बहुत अरेंज करना होगा हमें। उसके लिए इसे मैं इरेज करता हूँ, मतलब हटा देते हैं, वापस इधर आते हैं, इसे मैं आगे के साइड कर दूंगा, थोड़ा ऊपर के साइड यहाँ पर अरेंज कर दूंगा। एक बार प्ले करते हैं फिर देखते हैं किस तरीके का लग रहा है, क्योंकि हमें सबसे फ्रंट पे उसको भेजना होगा ना। देखो अभी ये गई, फिर इधर से जैसे ही नीचे झुकती इधर से चुड़ैल आ जाती है, चुड़ैल देखती है फिर कुछ मंत्र वगैरह मारेगी जो भी मारना है, फिर इधर से गायब हो जाएगी। अब ये उठ के अपना चले जाएगा। देखो योगी अब आपको ना वुड का टेक्सचर चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, यूट्यूब नहीं खुल रहा है, जस्ट वापस हमें क्रोम पे जाना होगा। क्रोम पे जाने के बाद इधर आप वुड पीस लिख दोगे तो वैसे आ जाने वाला है, वुड पीस वेक्टर लिखोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वुड ये देखो आपका इस तरीके का जो वुड पीस है ना, आपको कुछ इस तरीके से चाहिए होगा, ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन हट जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। वुड पीस पीस वेक्टर जस्ट मैं इतना लिखता हूँ, उसके बाद देखो काफ़ी सारे आ चुके हैं जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ यार, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि इधर आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रयोग कॉस्ट में मिल जाएगा जिनका आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, लाइक मैं ये वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे स्क्रॉल कर लेना, देख लेना अगर आपको राउंड वाला कोई मिल जाए तो बढ़िया है ठीक है। मैं नीचे एक बार देख लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे हैं, सो देखो मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हो जाती है। सिंपल से मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, वापस से अपने उसी वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब जहाँ से मंत्र फूकती है आपको उधर जाकर थोड़ी एडिटिंग वगैरह देनी होगी, लाइक इधर है, और हाँ सबको थोड़ा डार्क में कर देंगे, अभी बताता हूँ कैसे। देखो ये आई, इधर से जैसे ये मंत्र मारना चालू करेगी ना, तो वहाँ से ऊपर से गिरेगा। अब सिंपल से देखो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, उसके बाद मीडिया पर जाके उस इमेज को जो अभी डाउनलोड किया उसको ले लेना है। जस्ट मैंने इसे ले लिया है, यहाँ पर थोड़ा बहुत रोटेशन वगैरह करनी होगी, और हाँ इसको इरेज कर देना आप लोग इसका जो बैकग्राउंड है, मैं तो क्रोमा की का यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि भाई अपने पास जो है उसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद थोड़ा बहुत देखो इसको मुझे अरेंज करना होगा। ओके हो चुका है, मैं इसे रोटेट कर दूंगा ऐसे, इसकी साइज़ देख लेना आप लोग बिल्कुल सेट है, हल्की से बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, अब ये ऊपर के साइड से आएगा ठीक है। जस्ट ये देखो ये जैसे ही गिरता है ऊपर से गिरेगा, ये चुड़ैल आगे बोलती है ना कि कुछ भी बोलना होता है उसने जो भी कहना है, लाइक ये यही। अब देखो यहाँ से ये आपने क्या करना है, की फ्रेमिंग लगाना होगा। की फ्रेमिंग के लिए आपको इसको सिंपल सा ऊपर करना है, इस वाले पे एक बार प्रेस कर देना है, ये जैसी बोलती है लाइक यहाँ पर बोली, यहाँ पर आपको नीचे ले आ देना है, जस्ट ऐसे करके इसको ले आके रख देना है। अब जैसे ही रख दोगे तो, और हाँ इसको बैकवर्ड कर देना, सेंड टू बैकवर्ड कर दोगे तो हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि हम पूरे इमेज को इधर सेलेक्ट करते हैं और उसको फ्रंट में कर देते हैं, सेंड टू फ्रंट, तो प्ले करते हैं फिर देखो, मतलब मैजिक वाला जो इफेक्ट होता है कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है, जो कि काफ़ी देखने में अमेजिंग लगता है। लाइक ये गिर गया ना, अभी देखो ये चुड़ैल आई, चुड़ैल इससे बोलेगी ठीक है कुछ भी बेटा कुछ नहीं होता, अब यहाँ पर देखो ये रखा गया है,
अब चुड़ैल इधर से गैप हो गई और अपना डंडा भी गैप हो चुका है। सो उससे हमें साइज में थोड़ी बड़ी करनी होगी, लाइक इसकी साइज को हम कर लेते जितनी अपनी फुल वीडियो अपनी ही करनी होगी। अब इधर से देखो ये गिरता है ना, प्ले करते हैं। जस्ट यहाँ पर साइज को हमारी बड़ी करने के कारण इधर एक प्रॉब्लम हो गई है, सो मुझे उसे अरेंज करना होगा। अब यहाँ पर ये आती चुड़ैल, अब ये जैसी हाथ उठाएगी हमें उसी तरीके से लेकर आना होगा। लाइक इस पे गया, जैसी बोली ये नीचे कर दिया हमने, इधर ही रहेगा ये, इस पे चल के चला जाएगा। देखो इस पे चल के चला गया है। सिंपल सा था, कोई मतलब बड़ी वीडियो हमने नहीं क्रिएट की, एकदम छोटी सी वीडियो क्रिएट की हुई है। हम इधर से सभी पार्ट को कट कर लेता हूँ क्योंकि उनका यूज़ तो नहीं आने वाला है। इधर मैजिक वगैरह जो इफेक्ट्स है इधर यूज़ करना होगा, उसके लिए आपको देखो ये जो लेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है जस्ट इस पर क्लिक करना है। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा इसे करता हूँ, ये इसने हाथ उठाया, जस्ट ये हाथ उठाई, इधर चलते हैं लेयर पे, स्टिकर्स पे जाने के बाद इधर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। मैं इधर कोई भी एक यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, काफ़ी सारे हैं, इनमें से किसी एक का यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल से देखो ये वाला जो ऑप्शन है मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, इस पर क्लिक किया, अब ये है, इधर से मैं इसके स्टिकर्स को कट कर दूंगा क्योंकि वहाँ से मुझे ज़रूरत नहीं है। देखो इसने जैसे ही नीचे किया, आप देखो ये इसने क्लिक किया, ये आगे आएगी, फिर एक मैजिक होगा, देखिए मैजिक हुआ, फिर ये नीचे गिर जाता है। अब ये बोल रही है कि तुम उठ जाओ और हो जाएगा। अब इधर से इसे बूम कर देना है, लाइक गैप होने वाला जो होता है ना, शॉप पर जाने के बाद अफेक्ट वाले पर चल जाओगे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। लाइक स्टिकर्स पर जाने के बाद इधर चल जाओगे तो देखो इस वाले ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पर एक बार मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, जस्ट मैंने इसे प्ले किया है, तो देखो मैजिक सा जो इफेक्ट हुआ तो उसके बाद ये नीचे आके गिरता है। जस्ट ये जैसे ही गिरेगा उसके बाद ये चुड़ैल गायब हो जाती है। तो इधर आपको क्या करना है, वापस से इधर जाना है स्टिकर्स वाले पे, इधर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लाइक इस पर आपको क्लिक करना है, इसे गायब होने वाला दे देना है। सिंपल से मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये होएगा और ये गायब, ठीक है, और ये वापस से चला जाएगा। बस इतनी सी सीन आपकी क्रिएट हो चुकी है, आपकी वीडियो बन गई भाई। और नीचे आप कोई भी मतलब शैतान वगैरह इधर आप लिटाना चाहो तो लिटा सकते हो। लाइक मेरे पास एक इमेज होगी जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मुझे चेक करना होगा वो इमेज कहाँ है। जस्ट ये इमेज, मैं इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे नीचे करूँगा, ठीक है। जस्ट मैं नीचे, इसकी साइज़ को आप इंक्रीज़ कर लेना, देखो मैं इसकी साइज़ को हल्के से इंक्रीज़ कर लेता हूँ, उसके बाद नीचे लिटा दूंगा। जस्ट इस पर गया और इसके क्रोमा की को मैंने इनेबल कर देना है, जस्ट इनेबल कर दिया है। यहाँ पर मैंने इसको लिटा देना है, जस्ट यहाँ पर ऐसे करके लिटा देना है और इसे सेंड टू बैक कर देना है। सेंड बैकवर्ड कर दिया हूँ, एक और बार सेंड पूरा बैकवर्ड कर दोगे तो पूरा पीछे चल जाने वाला है, सो मैं इसे थोड़ा सा फ्रंट कर देता हूँ। अभी देखो ये लेटा हुआ है, सिंपल से देखो नीचे ये शैतान लेटा हुआ है, ये जैसे ही आएगा नीचे एक साइड आया। और यहाँ पर देखो इसके जो फेस पे मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही जिससे ये थोड़ा लोकल लग रहा है ना, तो आप ओरिजिनल करने के लिए इधर जाके वापस जाना है स्टिकर्स पे। स्टिकर्स पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। लाइक मैं एक बार देखता हूँ कौन सा बेटर रहेगा, इस वाले को देखते हैं क्या है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा काम करूँगा, स्क्रॉल करूँगा और इसे सोने वाला इफेक्ट देंगे, ठीक है। ओके, देखो जितना इफेक्ट्स आप यूज़ करोगे बढ़िया रहेगा। अब जैसे मैंने इस पर पहली की फ्रेमिंग देनी है ये दिया, अब सेकंड की फ्रेमिंग मैंने इसकी साइज़ को बड़ी करनी है, सेकंड पे गया, इसकी साइज़ को बड़ी किया और इधर कर दिया। एक बार प्ले करते हैं, देखो अब इसे आप डुप्लीकेट कर सकते हो, लाइक डुप्लीकेट, अब डुप्लीकेट करने के बाद इसे आगे कर दो, वापस इधर आप डुप्लीकेट कर दो, जितनी बार डुप्लीकेट करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। इधर मैं डुप्लीकेट कर चुका हूँ, अब देखो आप लोग एक बार मैं प्ले करता हूँ, देखो ये निकल रहा है इसके फेस से, मतलब एक अलग से मूवमेंट आ रही है। बस इसी तरह आपको करना है यार, देखो ये हो चुका है, ये बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, मतलब एक सिंपल सा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जिससे बढ़िया लगता है। अब यहाँ पर देखो जस्ट इधर रोने वाला इसका जो है ना, आप रोने वाला कर दो, ये जो रोने वाला है, और इसके फेस के पास ऐसे एडजस्ट कर देना है।
पहली जो आपकी एनिमेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसमें आप ट्यून का यूज करो। ट्यून यूज करने के लिए आपको सिंपल से देखो इधर जाना है या फिर स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं देखो इधर आपको दिखा लेता हूँ, लाइक एफएक्स में काफी सारे हैं। क्लाइमेटिक टेंडर लाइक सेरी, मैंने काम करना इधर सिंपल से कोई भी ऑडियो लगा देना है, उसके बाद ये पूरी बन जाएगी। कितनी ज्यादा ऑसम लग रही है। इसी तरह आप अपने वीडियोस को बना सकते हो, बाकी एक्सपोर्ट कर लेना, म्यूजिक वगैरह लगा देना। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।